हमारी पिछले दो महीने से डिमांड चल रही ओपीएस को लेके, जो ओपीएस को विसंगति की गई है यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस बॉडीज को लेकर, कि जो अंशदान जमा कराने की जो शर्त सरकार ने रखी ओपीएस ऑप्ट करने से पहले, इसके विरोध में सारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं और आरयूएचएस के आज फैकल्टी जो डेंटल कॉलेज जयपुरिया और आरयूएचएस हॉस्पिटल में पोस्टेड है, उन्होंने विरोध स्वरूप आज सामूहिक अवकाश रखा है और कार्य बहिष्कार किया है। हमारी एक ही डिमांड है कि जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो ओपीएस दी गई है बिना शर्त के, बिना अंशदान जमा कराने की शर्त के, वही ओपीएस आरयूएचएस में और अन्य यूनिवर्सिटीज और ऑटोनोमस बॉडी में लागू की जाए। चूंकि आरयूएचएस एक ऐसा संस्थान है जिसने कोविड महामारी में भी डेडिकेटेड कोविड सेंटर में काम के रूप में काम किया था, और यहाँ के जितने भी कर्मचारी नॉन टीचिंग नर्सिंग फैकल्टी, उन्होंने उस कोविड महामारी के मुश्किल समय में भी सेवाएं दी थी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अपना संवेदनशील रुख अपनाते हुए हमारी डिमांड पर जो मांग है कि पूर्ण ओपीएस सरकारी कर्मचारियों की भांति लागू की जाए, उसको पूर्ण करें। राज्य सरकार की ये जो दोगली नीति है, दोगलापन है, एक तरफ तो कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों को ओपीएस देंगे, एक तरफ कहते हैं जो एनपीएस का पैसा है जो केंद्र सरकार से वो खुद तो ला नहीं पा रहे हैं, और खुद की विफलता को छिपाने के लिए हम कर्मचारियों कह रहे हैं कि आप 12% राशि के साथ जमा कराओ। ये कौन सी ओपीएस है? ये आधी अधूरी ओपीएस हमको नहीं चाहिए ना। हमारे हम अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है, और आरयूएचएस तो एक ऐसा हॉस्पिटल है जो पूरे प्रदेशवासियों की सेवा करी थी। उस समय तो गहलोत साहब वाह वाह लूट रहे थे, और जब आज हमारे मांग हमारे सम्मान की बात आई तो आज हम उनके कर्मचारी नहीं, हम ऑटोनोमस हो गए। जब काम कराना होता है तो हम सरकार के कर्मचारी हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ गहलोत सरकार से कि राज्य सरकार की तर्ज पर ऑटोनोमस समस्त विश्वविद्यालयों को भी पूर्ण ओपीएस का लाभ दे, अन्यथा ये आंदोलन उग्र होगा। और गजेंद्र सिंह शेखाव साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये भी हमारी मांगों के साथ सड़कों पे उतरे। धन्यवाद।